उस घटना को देखने के बाद, उस वीडियो को देखने के बाद, मतलब कोई भी अगर संवेदनशील आदमी होगा तो एक बार को हिल जाएगा। आप उसको बुला करके कुल्हाड़ी से काट के फिर आग लगा के जिंदा जलाएं और एक 11 साल के बच्चे को खड़ा करके आप उसकी वीडियोग्राफी कराएं, तो किस तरह के बच्चे यहाँ पैदा होंगे, किस तरह के लोगों का जहन बनेगा। नफरत जो लोग बीज बो रहे हैं उसका जो फल निकल रहा है तो आप उसको देख रहे हो, लेकिन बीज तो कहीं बोया जा रहा है। जो नफरत बोया जा रहा है कोई आम इंसान नहीं बो रहा है, इसमें देश के अंदर जो शासक पार्टियां हैं ये बो रही हैं। काली की ये सरकार नहीं चलेगी अगली बार, बॉब लिंचिंग की ये सरकार नहीं चलेगी। बीजेपी क्योंकि बाकी सारी चीजों पे फेल है, जीएसटी पे, डिमोनेटाइजेशन पे, तो जगह जगह यही लिंचिंग करके, जगह जगह हिंदू मुस्लिम फसाद खड़ा करके वो इलेक्शंस जीतना चाहते हैं। हम जहाँ ऑटो लगाते हैं वहाँ पे अगर जितने ड्राइवर हैं उसमें 2-3 मुस्लिम हैं, तो आमतौर पे जो एक सौहार्द था लोगों में, मतलब बहुत पहले से दोस्तियाँ हैं हमारी, मगर वो जो एक सोच में जहर घोली जा रही है वो आम लोगों में भी आ रही है। ये जो नफरत भर दी गई है लोगों के बीच में, जहर भरा गया है सोसाइटी के बीच में, ये ख़त्म होने में बहुत समय लगेगा, माने बहुत हमारी सोसाइटी को बहुत डैमेज हो रहा है। भारत के संविधान की जो मूल भावनाएं हैं, उन भावनाओं के हर हत्या के साथ भारत के संविधान को बार बार मारा जा रहा है, और ये मारने वाले वही लोग हैं जो चाहते नहीं थे कि ये संविधान कभी संविधान बने। मान लीजिए गरीब की तो मेन समस्या है रोजी रोटी, ठीक है, तो उन समस्याओं पे कोई चर्चा तो हो नहीं रही है, मगर अभी कुछ हो जाए हिंदू मुस्लिम तो उस पे। जो वास्तविक सवाल है, जो रोजगार का सवाल है, जो शिक्षा का सवाल है, जो स्वास्थ्य का सवाल है, आपने देखा कि दिल्ली के अंदर में किस तरह से बच्चों को, 2 बच्चे जीवित बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया केवल पैसों के कारण। नौजवान आत्महत्या कर रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, ये सवाल नहीं बन रहे हैं। सवाल बन रहे हैं गौ के नाम पे, सवाल बन रहे हैं देशभक्ति के नाम पे। ये कौन सी देशभक्ति है, ये कैसी देशभक्ति है, और ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं।